बॉलीवुड को मिल गया है फिल्मों को सक्सेसफुल बनाने का एक और टोटका, और उस टोटके का नाम है एडल्ट कॉमेडी। जी हाँ, यही है बॉलीवुड का नया ट्रेंड। सेक्स कॉमेडी बनाओ और करोड़ों कमाओ। और अब इस टोटकी को आसमाने जा रहे हैं फैमिली ड्रामा और ट्रेडमार्क कैंडी फ्लॉस फिल्म्स बनाने वाले करण जौहर भी, जो एक एडल्ट कॉमेडी फिल्म दिल दे प्यार दे प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसे गिप्पी फेम डायरेक्टर सोनम नायक डायरेक्ट करेंगी। प्रोड्यूसर जॉन इब्राहिम ने भी ये बात समझ ली है दैट द ऑडियंस इज मोर ओपन टू सेक्स कॉमेडीज, इसीलिए उनकी अगली प्रोडक्शन फिल्म बनाना भी इसी जॉनरा से डील करेगी। फिल्म को डायरेक्ट करेंगे साजिद अली, बाकी डिटेल्स आपको जॉन खुद देंगे। बनाना इज अ फिल्म अबाउट एडोलेसेंस टू टीनेज, इट्स अबाउट अ गाय अ लिटिल यंग बॉय एंड हाउ ही डील्स विद द न्यू एडवेंचर्स इन हिज लाइफ पर से। It's a slice of life kind of a film. At the same time, it is a very real film. Banana is an absolutely new star cast, and Sajid's got some amazing people on Banana. राइटर टर्न डायरेक्टर मिलाप जवीरी की फिल्म मस्ती ज्यादे भी एक एडल्ट कॉमेडी होगी, जिसमें सनी लियोनी नजर आएंगी डबल रोल में। टीवी स्टार राम कपूर भी सनी लियोनी के साथ देवांग ढोलकिया की फिल्म पटेल रैप में आकर सबको शॉक देंगे। फिल्म मलेशिया में शूट होगी और राम फिल्म के लिए गुजराती डिक्शन क्लासेस लेंगे। राम सेज, इट इज अ हिलेरियस स्क्रिप्ट, आई हैव नॉट लव्ड दिस मच एवर इन माय लाइफ, सनी एंड आई मेक फॉर सम कपल। राम गोपाल वर्मा भी अपने डूबते करियर को बचाने के लिए एकता कपूर के साथ मिलकर बना रहे हैं एक्सेस नाम से एक सेक्स कॉमेडी। यानी एक बात तो साफ हो गई है कि सेक्स और कॉमेडी का कॉकटेल बनाकर बेचो और खूब पैसे कमाओ। आया जैसा एकता कपूर और इंद्र कुमार कर चुके हैं, इनकी फिल्म क्या कूल है हम और मस्ती खूब चली, दोनों फिल्मों के सीक्वल्स ने तो कामयाबी के झंडे ही गाड़ दिए। इनफैक्ट मस्ती की सीक्वल ग्रैंड मस्ती तो बॉलीवुड में 100 करोड़ कमाने वाली पहली सेक्स कॉमेडी फिल्म बन गई है। ये इंग्रेडिएंट्स थे कि ये पिक्चर सुपर हिट हो, और हुई तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। मस्ती 3 का प्लानिंग है। जाहिर है सारा खेल पैसे का है, वरना करण जौहर और जॉन इब्राहिम जैसे साफ सुथरी फिल्म बनाने वाले फिल्म मेकर्स सेक्स कॉमेडी का रुख ही क्यों करते। वेल, अब देखना ये है कि सेक्स कॉमेडी पर बेस्ड आने वाली इनकी फिल्मों को ऑडियंस कितना वेलकम करती है। Let's do it.